और आते ही कांड कर दिया। देखो कांड नहीं, खुली हुई थी। खुली हुई थी तो क्यों खोला उसको, मैं खाने के टाइप में खोलता। एक तो इतना लेट आया भाई, मतलब आधे घंटे पौन घंटे से वेट कर रहा हूँ इन दोनों का। मैं क्या हो गया था, इतना टाइम क्यों लग गया? गुनगुन है उसकी दोस्त, बोली चिली पटेटो चल कॉलर पे। हाँ अच्छा, चिली पटेटो वाले ने काफी टाइम लगा। Hey guys, welcome to my new vlog. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे। Guys, तो अभी टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं। 12 बजे मैं अपने दुकान पे हूँ। सुबह मैं आरिफ भाई की दुकान पे गया था और वहाँ पे आरिफ भाई का फिर लैपटॉप लिया। उसके बाद यहाँ पे दुकान पे आके मैं दुकान खोला हूँ। मेरे साथ में यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, साथ में जिशान भाई भी है यहाँ पे। देखो जिशान भाई और वीर है यहाँ पे, देखो वीर को और जिशान भाई भी साथ में, मैं भी हूँ यहाँ पे। हम सब लोग अभी बैठे हुए आओ भाई, अभी हम लोग बैठ के यहाँ पे रील बना रहे थे। मतलब मैं और जिशान भाई हम दोनों साथ में बैठ के रील्स बना रहे थे। बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा है रील्स बना रहे थे भाई, बंद करना। रील्स बना रहे थे, जो बंदे जा रहा है सामने से रोड से, देखो इधर रोड से जो बंदे जा रहा था सब देख के जा रहा है। इतना हंसी लग रहा था, मतलब हम लोग वीडियो बना रहे और बंदे लोग देख रहा था। बहुत फनी मोमेंट था उस टाइम पे। तो हाँ, अभी फ़िलहाल हम लोग दुकान पे बैठेंगे और देखो सिस्टम वस्टम सारा अपना सेट हो चुका है यहाँ पे। और इसको वीर को देखो यूट्यूब देख रहा है इसमें। तो हाँ, अभी हम लोग दुकान पे बैठने वाले हैं। गाइस, तो अभी दोपहर के 3 बज गए और मैंने वीर वंश को 2:30 बजे ही बिरयानी लाने के लिए भेज दिया था वैसे देखिए। और 2:30 बजे से भी आधा घंटा हो गया मैक्सिमम, अभी तक नहीं आया वो बिरयानी लेके। मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ कब आएगा, नहीं आएगा, कब आएगा, कब आएगा बिरयानी लेके। मुझे भूख लगी हुई है और वो अभी तक नहीं आया है और मैं इंतजार ही कर रहा हूँ दुकान पर बैठ के। देखो इधर टाइम भी 3:06 हो रहे हैं और वो वीर और वंश दोनों नहीं आया। उस दोनों का मैंने भेजा था बिरयानी लाने के लिए। मैं बैठ के उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कितने देर में आएगा। आएगा फिर उसको डांट लगाऊंगा मैं, आने दूंगा उसको। आता है फिर मैं उसको डांट लगाऊंगा कि इतना लेट कहाँ लगा, क्यों लगा, आने दो उसको फिर लगाऊँगा डांट। तो देखो वीर वंश अभी आया और आते ही कांड कर दिया। देखो कांड नहीं, खुली हुई थी। खुली हुई थी तो क्यों खोला उसको, मैं खाने के टाइप में खोलता। खोला ये देखो, एक तो इतना लेट आया भाई, मतलब आधे घंटे पौन घंटे से वेट कर रहा हूँ इन दोनों का मैं। ये बीच में एक बार आया भी था पैसे लेने, 10 रुपये दो, 10 रुपये कम है, ज़्यादा बोल रहा है वो। तो बीच में आया फिर मैं, आने का टाइम ना 15 मिनट था, इसका मतलब गया था 15 मिनट में ही आ गया था पैसे लेने के लिए। बट दोबारा जब गया तो ये लोग आधा घंटा लगा दिया, कम से कम आधा घंटा लगा दिया। क्या हो गया था, इतना टाइम क्यों लग गया? गुनगुन है उसकी दोस्त, बोली चिली पटेटो चल कॉलर पे। हाँ अच्छा, चिली पटेटो वाले ने काफ़ी टाइम लगा, इसी वजह से लेट हो गई। और इसका इसकी बीच में से कोई रिलेटिव मिल गया जिस वजह से जो गुनगुन को रोका, गुनगुन को डांट पड़ी और अब शायद गुनगुन क्या पता। अच्छा गुनगुन को डांट पड़ी क्या? उसको डांट पड़ी रास्ते में, ब्लॉक कर दो उसको, इसलिए वो रोते रोते जाइए, इसलिए बहुत धीरे धीरे गया, उन्होंने रोका भी था। अच्छा अच्छा, तो गाइस फाइनली ये देखो खाना हमारा आ चुका है 3:10 पे। गाइस तो अभी खा रहे अपना खाना, बिरयानी है, चिकन बिरयानी। गाइस तो अभी शाम के 5:30 हो रहे, मैं दुकान पे बैठा हूँ और जिशान भाई भी आए हुए हैं दुकान पे। जिशान भाई बैठे हुए हैं और मैं इधर कोने में सोया हुआ था यहाँ पे, देखो तकिया लगा के। और एक गली में एक लेडीज थी, वो आई भी और उन्होंने पूछा जो कारी साहब होते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाले होते हैं जिनको कारी साहब बोलते हैं, तो उनसे उनके बच्चा का ना वो तबीयत ख़राब है, बुखार लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि फुकवाने जाना है, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे टाइम पे जाना मिल जाएगा आपको। तो वो बता रही थी कि इससे पहले भी उनका जो लड़का है उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, डॉक्टर ने भी बहुत चेकअप वगैरह सब कुछ किया। तो सब कुछ करने के बाद भी ना उनको उसके बेटा को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा, मतलब तो जाके वही मौली साहब से झाड़ फूक करवाए और वही पानी वानी दिए फूक के, तो वो पिलाए फिर उनका बेटा ठीक हो गया। मतलब देखो ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाई करने वाले लोग हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो होगी, क्योंकि हम सब एक इंसान हैं, कोई धर्म में नहीं बटा है, सब इंसान ही है समझो। तो गाइस देखो अभी भी मतलब हिंदुओं में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास है कि हाँ फुकवाने से या दम करवाने से उनके बच्चे का इलाज, उनके बच्चे का तबीयत ठीक हो सकता है। गाइस तो रात के 10 बजे हम लोग आए होटल में खाना खाने के लिए
ये देखो ये है चिकन अफगानी और रुमाली रोटी, तो हम अपना खाना खाते हैं। गाइस तो अभी दुकान को बंद करके पहुंच चुका हूं मैं रूम पे, और हाँ आज मतलब गर्मी नहीं है, आज काफ़ी अच्छा हवा चल रहा है बाहर, मतलब छत पर भी यार था काफ़ी मस्त हवा चल रहा था, गर्मी आज ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं मतलब समझो है ही नहीं समझो, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई आज सच्ची में, मतलब भाई कंटिन्यू एक हफ्ते दो हफ्ते से धूप 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 ही गर्मी गर्मी थी, आज हवा चल रहा है तेज सा, मज़ा आ जाएगा सोने में मुझे। तो हाँ मैं करूँगा इस वीडियो को यहीं पे एंड, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पे जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, भाई पता है व्यूज़ तक नहीं अभी आ रहे, पता नहीं इतना गंदा गिर गया चैनल मेरा, प्लीज़ सपोर्ट करो भाई, इस भाई को भी अपने भाई को भी सपोर्ट करो, तो इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। किसकी मम्मी ने देख लिया है? सच्ची में जो मैंने बताया आपको बात, सच्ची में बोला तो चल, तुम लोग किसी को बात करने वाले।